34 ऑप्टिक्स और उसका डे है 5th। लास्ट वीडियो में हम लोगों को प्रिज्म के बारे में जो है कुछ बता चुका था मैं, वहीं से हम लोगों को बात शुरू करनी होगी। टॉपिक जरा पढ़ के सुना दो, प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, एबरेशंस, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो प्रिज्म की बात यहाँ पे शुरू हो रही है। कहा था ये ट्रायंगुलर बेस का, जनरली ग्लास का बना हुआ, ट्रायंगुलर बेस पे बना हुआ, और ये अपने ऊपर पड़ने वाली रे को रिफ्रैक्ट, डेविएट और डिस्पर्स कुछ भी कर सकता है। तो ये रे पड़ी, इंसिडेंट रे हो गई, ये पी क्यू का नाम दे दिया, ये आर हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये एस आर एस हो गई इमर्जेंट रे। ये I1 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये I2 है। अगली बात आएगी ये ABC के लिए कहा गया। A को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिंग एंगल, किसी भी नाम से इन्हें पुकारा जा सकता है। देखिए जरा यहाँ पे डिस्प्ले जो है डेविएशन हुआ या नहीं हुआ, कहेंगे बिल्कुल हुआ है, डेल्टा 1 हुआ, यहाँ डेविएशन डेल्टा 2 हुआ, ये टोटल डेविएशन डेल्टा हो गया। तो डेल्टा 1 आप देख सकते हो कि ये I1 है, ये R1 है, तो ये I1 माइनस R1 सिमिलरली डेल्टा 2 जो है वो I2 माइनस R2 हो जाएगा। ट्रायंगल QMR में अगर आप देखोगे, QMR में देखोगे तो ये डेल्टा जो है एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 इंटरनल एंगल हो जाएंगे। तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये एक इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन आपको और बता दूं कि हमेशा ट्रू रहेगी, A बराबर R1 प्लस R2। अब सवाल इस बात का है कि ये जो डेविएशन है ये डिपेंड कहाँ पे करेगा, तो आपको बताता हूं मैं। म्यू बराबर आप लिख सकते हो साइन I1 अपॉन साइन R1, यही लिख सकते हो साइन I2 अपॉन साइन R2। तो जरा देखें कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का, ये बदलने वाली चीज नहीं। अब सोचो जरा इस बात को कि अगर I1 बदला तो म्यू फिक्स रहेगा, R1 बदल जाएगा। R1 अगर बदल गया तो A फिक्स रहेगा, R2 बदल जाएगा। R2 अगर फिक्स रहा तो म्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, I2 बदल जाएगा। यानी कि सब के सब जो हैं वो रहेंगे कैसे, यानी सब के सब की डिपेंडेंसी जो है I1 पे है। इसी आधार पर जब हम बात आगे बढ़ाते हैं तो पाते ये हैं कि ये X हो गया, ये Y हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो ये I हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये कर्व आ गया, और ये डेल्टा मिनिमम हो गया। तो प्रिज्म इज प्रोड्यूसिंग द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ओनली फॉर वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, I1 बराबर I2 बराबर I होगा और R1 बराबर R2 बराबर R होगा। अगर ये 2R हो गया तो ये 2R बराबर A हो जाएगा और ये A बाई 2 हो जाएगा। डेल्टा बराबर डेल्टा एम यहाँ पे रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2I माइनस, ध्यान से देखें तो यहाँ पे A लिख सकते हैं, तो I बराबर A प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। R बराबर ये हो चुका है, हमने I की वैल्यू निकाल ली है, हमने R की वैल्यू निकाल ली है, अब हम यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं टू फाइंड द आइडिया फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। ये हो गई
प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म कहा जाए, फॉर थिन प्रिज्म कहा जाए, तो ये ऐसे कहोगे आप। और ये जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी मोर देन 10 डिग्री। ऐसी स्थिति में साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू विल बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और नीचे जो साइन ए बाई टू है विल बी कन्वर्टेड इनटू ए बाई टू। तो म्यू बराबर आ गया ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम हो गया और डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए हो गया, विच इज डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्रिज्म। म्यू पे भी डिपेंडेंसी हो गई और ए पे भी डिपेंडेंसी हो गई। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो ए म्यू माइनस ए, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो, x हो गया y हो गया, इधर को डेल्टा m ले लिया, इधर को म्यू ले लिया, m पॉजिटिव है, एंगल जो बनेगा वो लेस देन 90 और जो स्लोप बनेगा जो इंटरसेप्ट बनेगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस से इंटरसेप्ट कट होगा। अब बात आती है यहाँ पे डेल्टा m की डिपेंडेंसी हमने देख ली कि म्यू माइनस वन इंटू ए है, तो ग्राफ वाली बातें हो गई यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन वाली बात है ये आपको दिखाते हैं कि अगर ये सारे के सारे प्रिज्म जो है ये इस तरीके से रखे गए हैं, इस तरीके से रखे गए हैं, तो सबका बेस हम देख रहे हैं कि एक तरफ को है, सबका एपेक्स एक तरफ को है, तो ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री हो जाएगा और डेल्टा नेट बराबर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री ऐसे हो जाएगा। अगर यही प्रिज्म बजाय जैसे दिखाया है ऐसे रखे होने के, इस तरीके से रखे हो, तो ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको आपको साइन देना पड़ेगा, किसी एक को प्लस कहिए किसी एक को माइनस कहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी, वो ये है फॉर आइडेंटिकल प्रिज्म, आइडेंटिकल प्रिज्म के लिए क्या होगा, डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा नॉट मान लीजिए, और ये प्रिज्म जो है उल्टे सीधे लगे हुए हैं, उल्टे सीधे लगे हुए हैं। अब पूछा जाए आपसे कि बताइए कि नेट डेविएशन कितना होगा, यानी नेट डेविएशन हो जाएगा जीरो फॉर इवन नंबर ऑफ प्रिज्म, इवन नंबर है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है मान लीजिए तीन पांच सात नौ ऐसे हैं, तो दो कट जाएंगे या चार कट जाएंगे या छह कट जाएंगे या आठ कट जाएंगे, एक का बच जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। दिस इज फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रिज्म। ये बात हुई कॉम्बिनेशन के बारे में। अब आपको दिखाते हैं डिस्पर्शन का मामला क्या होता है, डिस्पर्शन क्या चीज होती है, डिस्पर्शन ये कहा जाएगा कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म है ये ए बी सी, ये इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरी हुई है, दिस इज व्हाइट लाइट, डेल्टा बराबर मैंने कहा म्यू माइनस वन इंटू ए, वन अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एफ आर ग्रेटर देन एफ वी होता है, फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर, म्यू आर लेस देन म्यू वी हो जाएगा, और डेल्टा का संबंध म्यू के साथ में डायरेक्ट है तो डेल्टा आर लेस देन डेल्टा वी हो जाएगा। तो होगा ये कि सबसे ज्यादा डेविएट करने वाला कलर कौन सा होगा, कहेंगे वायलेट होगा, ये जाना चाहिए था ऐसे, ये वायलेट हो गया, ये कोई एक कलर हो गया, ये एक कलर हो गया, ये रेड हो गया, वायलेट हो गया, ये येलो हो गया, जाना चाहिए था ऐसे, गया ऐसे है, कहेंगे हर हाल में डेविएशन हो गया है।
और आपको बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग में रे ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे कहा था कि जो है कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं आती हैं, और रे ऑप्टिक्स सीखने की बात करते हैं तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे देखे जाए कि जो है कि दो एक्सट्रीम कलर्स हैं, डेल्टा वी और ये डेल्टा आर, वॉलेट और रेड कलर। तो पहले जो है डिस्पर्शन की परिभाषा हो जाए कि कहा जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। सफेद रंग की जो लाइट है उसका सात भागों में टूट जाना डिस्पर्शन कहलाता है। इसका कारण भी समझ लें हम लोग कि यहाँ पे हर कलर का म्यू अलग अलग है। म्यू अलग अलग है ये क्यों हो गया? आंसर जो है स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में अलग अलग होगा, हर कलर की वेलोसिटी अलग अलग होगी। इस बात से हम लोगों ने एक बात और देखी कि रेड कलर का जो रेडिएशन है वो सबसे कम होता है, स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है, इसीलिए सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स हैं उनको रेड कलर का बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्स होने वाला कलर है, रेडिएट होने वाला कलर है, वो वायलेट है, विच इज़ वेरी क्लोज टू ब्लू। आप देख सकते हो कि नदी, नाले, महासागर, सागर, आसमान, ये सब के सब वायलेट दिखते हैं। आपको यहाँ पर लीक से थोड़ा हट के बता दें, ये सबसे पहले ये बात आइंस्टाइन साहब ने बताई थी कि ऐसा क्यों होता है कि आसमान हमको जो है ब्लू दिखाई पड़ता है, जब किसी को स्पेस से जाके देखेंगे तो ये पूरा आसमान ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है। बात आती है यहाँ पे मीन डेविएशन की, तो जो ये येलो कलर का जो डेविएशन है इसको कहते हैं मीन डेविएशन, और डिफरेंस यानी कि डेल्टा वाई बराबर जो आ रहा है ये म्यू वाई माइनस वन इंटू ए है। डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन, यानी कि थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा, म्यू वी माइनस वन ए, म्यू आर माइनस वन इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये थीटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन, और ये हो गया मेन डेविएशन। दोनों में एक बात कॉमन है कि चाहे मेन डेविएशन हो चाहे एंगुलर डिस्पर्शन हो, दोनों के दोनों मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और ज्योमेट्री ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। बात आती है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर की, तो कहा जाएगा कि रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड मेन डेविएशन इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा से इसको शो करते हैं, थीटा अपॉन डेल्टा वाई, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ओमेगा, और ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। पावर ऑफ द लेंस का यूनिट है लेकिन डिस्पर्सिव पावर का यूनिट नहीं है। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन आ जाएगा। कभी कभी सवाल में आपको म्यू वी देते हैं, म्यू आर देते हैं और ओमेगा पूछते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं पे म्यू वाई का संबंध होता है म्यू वी और म्यू आर के साथ में। तो म्यू वाई बराबर म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू है, और बता दूं आपको कि एफ वाई स्क्वायर बराबर एफ वी इंटू एफ आर होता है। ये संबंध है फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर एंड वॉलेट कलर एंड रेड कलर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, वॉलेट कलर एंड रेड कलर। ये बात आती है स्टूडेंट्स एबरेशंस के। एबरेशंस के लिए कहा जाता है कि ये एक प्रकार का दोष होता है। ये जरा देखें कि हमारे पास ये एक लेंस है और ये रे पड़ी यहाँ पे, ये रे पड़ी यहाँ पे, इनको कहते हैं मार्जिनल रेज, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, और इन सबको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे किनारे पे होते जाएंगे वैसे वैसे फोकल लेंथ कम होती जाएगी। तो ये रे ऐसे पड़ी, इसको हमने कहा इमेज फॉर्म बाई मार्जिनल रेज,
इसको मैंने कहा एम एच फॉर्म बाई पैरा एक्सियल रेज, और ये जो एक ही ऑब्जेक्ट है उसके कई जगह पे इमेज बन रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं स्फेरिकल एब्रेशन का, इसलिए क्योंकि ये लेंस के स्फेरिकल शेप की वजह से पैदा हुआ है। आगे बात करी जाए तो ये हम आगे इनको आगे बढ़ा दें, तो ये जो बन रहा है सर्किल, इसको सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं, सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। इसको कम करने का तरीका भी होता है कि आप यहाँ पे बाय यूजिंग स्टॉपर्स आप इसको कम कर सकते हैं, पैरा एक्सियल रेस को रोक दीजिए स्टॉप लगा करके तो मार्जिनल रेस से इमेज बन जाएगी, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो तरीके हो गए। बाय यूजिंग कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस तीसरा इस्तेमाल हो गया। चौथा तरीका हो गया आप दो लेंसेज का यूज करें जो कि कुछ दूरी पे रखे हो। पांचवा तरीका हो गया आप क्रॉस्ड लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस्ड लेंस के केस में एक पार्ट खत्म हो जाता है। और एक और आखिरी रास्ता रह जाता है कि अगर आप पैराबोलिकल मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो भी स्फेरिकल एब्रेशन खत्म हो जाता है। ये जो बीच का गैप है ये एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन है, ये जो आपका गैप है ये ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन की बात करता है। अब बात अगली आती है और वो ये है कि अगर हमारे पास, हम जानते हैं कि एफ आर ग्रेटर देन एफ वी होता है, यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन की बात आती है, क्रोमेटिक एब्रेशन की बात आती है कि ये हमारे पास व्हाइट लाइट का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये रे पड़ी, आपने देखा कि एफ आर ग्रेटर देन एफ वी है, यहाँ पे वॉयलेट कलर बन गया, ये वॉयलेट कलर हो गया, यहाँ पे ये रेड कलर आ गया, और जरा ध्यान से देखिए तो ये वॉयलेट सेंटर पे हो गया और टॉप पे बॉर्डर पे रेड कलर हो गया, ये आपका रेनबो प्राइमरी रेनबो का कलर कॉम्बिनेशन बताता है, प्राइमरी रेनबो का। और आगे ले जाइए, ये वॉयलेट हो गया और सेंटर पे रेड हो गया, ये सेकेंडरी रेनबो की बात करता है, सेकेंडरी रेनबो के कलर कॉम्बिनेशन की बात करता है। और ये देखिए सबसे छोटा सर्किल बना हुआ है, इसको हम नाम देते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन है। ये दोनों के बीच में जो गैप है एफ आर माइनस एफ वी, ये एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करता है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। और जो इनके बीच का जो हाइट का डिफरेंस है ये ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करता है। इनको कम करना या हटाने के लिए तरीका जो ये यूज होता है उसको एक्रोमैटिज्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमैटिज्म। यहाँ पे एक्रोमैटिज्म के बारे में आपको बताता हूं मैं अभी, इसमें दो लेंस का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एक्रोमेटिज्म से पहले आप लोगों को जो है यहाँ पे एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन के की रेमेडी के बारे में आपको बता दें। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, मैंने ये 1/A = μ-1, 1/R - -1, 1/R2 वॉयलेट कलर के लिए, रेड कलर के लिए, येलो कलर के लिए, इसमें से इसको रख के घटा दिया तो 1/FV - 1/FR, 1/R1 - 1/R2 कॉमन हो गया, अंदर आया क्या μV - μR। यहाँ मैंने म्यू वाई माइनस वन से डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये एफ आर माइनस एफ वी बराबर एफ वी इंटू एफ आर, और जरा इसको देखिए तो ये ओमेगा बन गया है और इतनी चीज 1/FY बन गया है। ये मैं आपको बता चुका था पहले ही कि एफ वी इंटू एफ आर बराबर एफ वाई स्क्वायर है, FY FY कट जाएगा, एफ आर माइनस एफ वी बराबर ओमेगा इंटू एफ वाई हो जाएगा। और जो मैं अभी आपसे एक्रोमेटिज्म के बारे में आपसे कह रहा था
वो यहाँ पे अभी बीच में एक सेंटेंस मैंने बोला था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंस, इनको क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास भी कहा जाता है। वन अपॉन एफ वी माइनस वन अपॉन एफ आर बराबर म्यू वाई माइनस वन से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो म्यू वाई माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ये एक के लिए हो गया था, ये दूसरे के लिए हो गया, ऐसा हो गया। इनको ऐड कर दिया जाए, अगर वन वन प्लस टू कर दिया जाए तो ये आप देख सकते हो कि वन अपॉन कैपिटल एफ वी प्लस वन अपॉन कैपिटल एफ वी माइनस का वन अपॉन एफ आर ओमेगा अपॉन एफ वाई प्लस ओमेगा डैश अपॉन एफ वाई डैश हो गया। अब आपके पास एक रास्ता ये है कि वन अपॉन एफ वी को जीरो कर दें तो एफ वी वन अपॉन जीरो यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, वन अपॉन एफ आर जीरो तो एफ आर इनफाइनाइट हो जाएगा, और ओमेगा अपॉन एफ वाई प्लस ओमेगा डैश अपॉन एफ वाई डैश बराबर जीरो हो जाएगा। ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश बराबर माइनस का एफ वी अपॉन एफ वाई डैश हो जाएगा। नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक ग्लास यहाँ पे एक जो लेंस है जरूर कॉन्वेक्स होगा और दूसरा लेंस जरूर कॉन्केव होगा। इनको हम कहते हैं एक्रोमेटिक लेंस कॉम्बिनेशन एंड द फेनोमेना इज नेम एज एक्रोमेटिज्म। हमारे पास आज की आखिरी हेडिंग है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन वाली बात, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और ये कह रहे थे कि यहाँ पे हम दो प्रिज्म लेते हैं, दोनों को उल्टे उल्टे बेस से सटा के रखते हैं, उल्टे उल्टे बेस से सटा के रखते हैं। ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया, ओमेगा हो गया ओमेगा डैश, डेल्टा वी डैश, डेल्टा आर डैश, डेल्टा वाई डैश, म्यू वी म्यू आर म्यू वाई म्यू डैश वी म्यू डैश आर म्यू डैश वाई, ऐसा हो गया। और डेल्टा के बारे में आप देख सकते हो कि ये हर हाल में डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू हो जाएगा क्योंकि ये प्रिज्म अपने बेस की तरफ और ये प्रिज्म अपने उल्टे बेस की तरफ को लेके जाएगा। तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन ए माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन ए डैश। डेल्टा वी हो जाएगा म्यू वी माइनस वन ए माइनस म्यू डैश वी माइनस वन ए डैश। डेल्टा आर हो जाएगा म्यू आर माइनस वन ए म्यू डैश आर माइनस वन ए डैश। ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ओमेगा डैश बराबर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस वन। ये डेल्टा वाई हो गया और थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया तो ये म्यू वी माइनस म्यू आर ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ए डैश। ये डेविएशन की बात कर रहा है और ये डिस्पर्शन की बात कर रहा है। यहाँ पे आप म्यू वी माइनस म्यू आर को चाहो तो रिप्लेस करा सकते हो, म्यू वाई माइनस वन ओमेगा ए म्यू डैश वाई माइनस वन ओमेगा डैश ए डैश, ये बात है। अब आप एक एक करके कंडीशन समझ सकते हैं। कहा गया डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी कि हमें यहाँ पे चार कंडीशन चाहिए होंगे। किस सूरत में नहीं होगा डेविएशन, किस सूरत में नहीं होगा डिस्पर्शन, जब डेविएशन नहीं होगा तो कितना डिस्पर्शन होगा, जब डिस्पर्शन नहीं होगा तो कितना डेविएशन होगा। तो फॉर नो डेविएशन के लिए पहली कंडीशन निकलने जा रही है डेल्टा वाई बराबर जीरो, ये जीरो कर दोगे आप तो म्यू वाई माइनस वन ए बराबर म्यू डैश वाई माइनस वन ए डैश इज द कंडीशन फॉर नो डेविएशन।
अब इसका इस्तेमाल अगर हम यहाँ पे कर लें तो हमको ये पता लग जाएगा कि जब डेविएशन नहीं होगा तो डिस्पर्शन कितना होगा। तो थीटा बराबर म्यू वाई माइनस वन ओमेगा ए माइनस इतने की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस वन ए लिख लिया और क्या ओमेगा डैश लिख लिया, तो म्यू वाई माइनस वन ए कॉमन हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश ये हो गया क्या डिस्पर्शन। ये कंडीशन हो गई फॉर नो डेविएशन। और जब नो डेविएशन है तो कितना डिस्पर्शन होगा। नो डिस्पर्शन के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो आपको करना होगा थीटा की वैल्यू को जीरो और पाओगे आप म्यू वाई माइनस वन ओमेगा ए बराबर म्यू डैश वाई माइनस वन ओमेगा डैश ए डैश। ये कंडीशन हो गई किसके लिए फॉर नो डिस्पर्शन। कितना डेविएशन होगा यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना होगा यही वाली कंडीशन। तो म्यू डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस वन ए और म्यू डैश वाई माइनस वन ए डैश म्यू वाई माइनस वन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा डैश। तो डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस वन ए वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये कंडीशन हो गई किसके लिए कहेंगे जिस समय डिस्पर्शन नहीं होगा तो उस समय कितना होगा डेविएशन। ये बात हो गई कंडीशन कहे के लिए चार कंडीशन की डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। दिस वॉज डे 34 रे ऑप्टिक्स का पांचवा लेक्चर। एक लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली और आएगा फिर हमारे पास वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बचेगी जिसको ये माना जाता है कि थोड़ा ये रिलेटिवली आसान टॉपिक होते हैं। ऑल द बेस्ट।